सो गाइस आप लोग देख सकते हैं आप सभी के सामने गाइस हमारे इंस्टाग्राम ऐड स्टोरी का ऑप्शन आ चुका है। हे गाइस बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि गाइस आपके जो इंस्टाग्राम में ऐड टू स्टोरी का ऑप्शन नहीं आ रहा गाइस उसका सॉल्यूशन क्या है और एंड गाइस आप उसको वापस से कैसे ले सकते हो। सो गाइस सब कुछ आप सभी को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो गाइस आप लोग वीडियो को कंप्लीट देख लेना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप सभी से दो चीज क्लियर करना चाहूंगा। अगर गाइस आप सभी ने दो मिस्टेक कर रखी है तो गाइस आप इस समय इन दोनों चीजों को पहले गाइस सॉल्व कर लो, उसके बाद गाइस आप सभी का जो अगर आपकी इसी मतलब इस मिस्टेक के कारण अगर आपका ऐड टू स्टोरी का ऑप्शन अगर हट गया है तो गाइस वो ऑप्शन वापस आ जाएगा। तो गाइस पहली चीज, अगर आपने गाइस अपना अकाउंट को प्राइवेट कर रखा है तो गाइस आप उसको पहले प्राइवेट से प्रोफेशनल अकाउंट कर लो। एंड गाइस जो प्रोफेशनल अकाउंट आप सभी को करना है कैसे गाइस आपको मैं साइड में दिखा रहा हूँ गाइस कि सबसे पहले गाइस आप सभी को अपने अकाउंट में जाना है। देन गाइस आप सभी को ऊपर साइड में जो थ्री लाइंस दिख रही है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड गाइस जैसे ही आपने आपके उसके ऊपर क्लिक करोगे तो गाइस आपको वहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड गाइस आप सभी को यहाँ पे मिलेगा प्राइवेसी का ऑप्शन, आपको सिंपली प्राइवेसी का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस जो आप सभी को ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे गाइस यहाँ पे आपको अगर आपका अकाउंट प्राइवेट होगा तो गाइस ये ब्लू कलर की लाइन में होगा, अगर गाइस आपने प्राइवेट कर रखा हो तो आपको इसको जल्दी से प्रोफेशनल अकाउंट कर देना है। ठीक है, तो आप दूसरी मिस्टेक गाइस अगर आप सभी ने अगर ज्यादा ही फॉलो अनफॉलो किया है अपने अकाउंट पे तो गाइस इसके वजह से मतलब ज्यादा फॉलो अनफॉलो या फिर आपको किसी की पोस्ट पे अगर ज्यादा ही लाइक कर दिया, जैसे कि 300-400 पोस्ट होती है जिनके लाइक पे अकाउंट पे आपने उनको सबको लाइक कर दिया है या फिर आपने उनके कमेंट बॉक्स में जाके आपने गाइस काफी लोगों को रिप्लाई किया है या फिर आपने काफी लोगों को कमेंट किया है मतलब कि 50+ कमेंट कर दिए, तो गाइस इसके वजह से भी ये ऑप्शन चले जाते हैं। तो गाइस आप सभी को क्या करना है गाइस अगर आपका ये अनफॉलो के वजह से अगर आपका ये ऑप्शन गया है तो गाइस आप सभी को थोड़ा सा वेट करना है, बिकॉज गाइस क्योंकि उसमें आप सभी को पता होगा कि जब भी आप किसी की फोटो को लाइक करते हो तो गाइस आपके के सामने कुछ एक एक्शन ब्लॉक का ऑप्शन आता है एंड गाइस वो ठीक होना में कम से कम 1-1.5 हफ्ता लगता है। तो गाइस आप सभी को थोड़ा वेट कर लेना अगर आपका इसके वजह से अगर आप ऑप्शन गया है। बाकी गाइस अगर आपका इस चीज के वजह से भी अगर आपको वो ऑप्शन नहीं गया होगा और ये सब आपने नहीं किया है तो गाइस आप सभी को अब क्या करना है गाइस वो मैं आप सभी को बताता हूं। तो गाइस चलिए हम चलते हैं अपनी फाइनल ट्रिक की तरफ। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना है गाइस आप सभी को यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करना है, देन गाइस यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना इंस्टाग्राम। एंड गाइस अभी कई भाइयों को ऐसा लग रहा होगा कि करण भाई यहाँ पे बोलेंगे कि आपको इंस्टाग्राम को यहाँ पे अपडेट करना है, देन गाइस आप सभी को यहाँ पे आपका जो इंस्टाग्राम को ऐड स्टोरी का ऑप्शन मिल जाएगा। बट गाइस मैं यहाँ पे आप सभी को अपडेट करने के लिए बोलूंगा, बट गाइस आपको अपडेट के साथ साथ यहाँ पे क्या करना है गाइस वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा जिसके वजह से गाइस आपका ऐड टू स्टोरी का ऑप्शन जरूर मिल जाएगा। तो गाइस पहले अगर आपका यहाँ पे इंस्टाग्राम अपडेट नहीं होगा तो गाइस आपको उसको अपडेट कर लेना है, देन गाइस अपडेट के साथ साथ आप सभी को फिर क्या करना है आप सभी को सिंपली एक बारी इंस्टाग्राम के ऊपर यहाँ पे टैप करना है। देन गाइस आप जैसे इसके ऊपर टाइप करोगे तो गाइस आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। एंड गाइस यहाँ पे आप सभी को लिखा होगा ज्वाइन बीटा का ऑप्शन, क्योंकि गाइस काफी लोगों का ना ज्वाइन बीटा का ऑप्शन यार लोगों ने ज्वाइन कर नहीं रखा है, क्योंकि जैसे क्या होता है कि मतलब कि यार काफी लोगों ने जब ज्वाइन नहीं करते ना गाइस तो इंस्टाग्राम खुद ही अपना मतलब कि उन लोगों के वहाँ से स्टोरी में मतलब कि कुछ कुछ ऑप्शन हटा देता है जिसकी वजह से लोग जाएं एंड वो उस बीटा ऑप्शन को जाकर ज्वाइन करें। तो गाइस इसको मैंने पहले से ज्वाइन कर रखा है, आप लोगों को भी इसको ज्वाइन कर लेना अगर जिस भाई ने नहीं कर रखा है, एंड जिसने कर रखा है वो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आगे बताता हूँ आपसे को करना क्या है गाइस, आपसे को सिंपली अपना इंस्टाग्राम को यहाँ पर ओपन करना है एंड गाइस इसके क्लियर डाटा में जाना है, ठीक है। एंड इसका यहाँ पे क्लियर डाटा को एकदम क्लियर कर देना है, ठीक है। इसको क्लियर कर देने के बाद आपसे को फिर क्या करना है आपसे को गाइस यहाँ से बैक चलना है एंड उसके बाद गाइस बैक जाने के बाद आपसे को सिंपली इंस्टाग्राम को ओपन करना है। एंड इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद गाइस आपसे को फिर क्या करना है पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही गाइस आपसे को फिर क्या करना है गाइस आप सभी के सामने कुछ एकदम नया नया ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपसे को सिंपली यहाँ पे इसको लॉगिन करना। सो गाइस इतना कुछ करने के बाद गाइस अगर आप लोगों का अभी भी अगर ऐड टू स्टोरी का ऑप्शन नहीं आया है तो गाइस आप सभी को अब क्या करना है गाइस आप सभी को मतलब कि गाइस अभी लास्ट तरीका है जो कि गाइस आप सभी का इंस्टाग्राम स्टोरी का जो अगर ऑप्शन है गाइस अगर इंस्टाग्राम ने खुद हटाया होगा तो गाइस वो आपको इंस्टाग्राम स्टोरी का ऑप्शन दे देंगे। अदरवाइज गाइस अगर आप लोगों ने मतलब कि जो स्टेप मैंने आप सभी को अभी बताया गाइस अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया होगा तो गाइस जब तक आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो गाइस आपको स्टोरी का ऑप्शन मिलना बहुत मुश्किल है। तो चलिए गाइस जो हमारा लास्ट ऑप्शन है जो गाइस मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ जिसकी वजह से इंस्टाग्राम को खुद वो स्टोरी का ऑप्शन दे देगा, तो गाइस चलिए हम उस स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है पहले आपको शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन गाइस आप जैसे क्लिक करोगे तो गाइस आप सभी के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा जिसमें गाइस ऐड टू स्टोरी का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा आपको, ओनली शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो गाइस आप सभी को क्या करना है गाइस आपको सिंपली यहाँ पे इसको पहले गाइस यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है सिंपली आप सभी को बैक चलना है।
सैमसंग सिंपली यार बैक चलते हैं एंड इसके बाद आप सबको जाना है अकाउंट में। अकाउंट में जाने के बाद आपको थ्री लाइंस जो दिख रही है गाइस ऊपर की तरफ, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको देन गाइस जाना सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद गाइस सबसे को जाना है इस हेल्प वाले ऑप्शन में जो कि आप सबको दिख रहा होगा गाइस, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो स्टार्टिंग से जो लास्ट से जो गाइस थर्ड ऑप्शन है उस पर जाने के बाद आप सबको सिंपली करना है रिपोर्ट अ प्रॉब्लम के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन गाइस आप सबको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा सेंड फीडबैक का ऑप्शन, ठीक है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो गाइस आप सबको गैलरी के ऊपर क्लिक करना है एंड गाइस जो अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया था आपको सिंपली इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप सबको फिर क्या करना है एंड गाइस आप सबको फिर एक दूसरा स्क्रीनशॉट को ऐड करना, जो कि गाइस आप सभी को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा गाइस, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके एंड यहाँ पे गाइस आपको ऐड करना है, ठीक है। इसमें गाइस आप सभी को ऐड टू स्टोरी का ऑप्शन पहले से मिला होगा क्योंकि गाइस इंस्टाग्राम इस चीज़ को देखेगा तो उसके बाद आप सभी को वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट को ऐड करना है, देन गाइस आपको ऊपर टाइप करना है गाइस डियर इंस्टाग्राम, देन इसको आपके बाद आप सभी को जैसे आप इस चीज़ को टाइप करोगे तो गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को सिंपली टाइप करने के बाद आप सभी को यहाँ पे अपना जो प्रॉब्लम है आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ से मैंने पहले से लिख रखा है तो मैं एक बार आप सभी को पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें मैंने लिखा क्या है। Instagram does not have the option of add to story in my account due to which I am feeling very bad. So please give me option of add to story in my account as soon as possible. So guys, इतना कुछ करने के बाद आप सबको सिंपली करना है क्या गाइस, आपको सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सबमिट कर देना है। एंड गाइस उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है गाइस, आप सभी को थोड़ा सा पेशेंस रखना है यार। क्या होता है कि कभी कभार कोई लोग मतलब कि कोई कोई तो इतने लकी होते हैं कि गाइस उन लोगों का जो फीडबैक आप जैसे इंस्टाग्राम को देते हैं तो गाइस उनका जो प्रॉब्लम होता है वो आधे घंटे में सॉल्व हो जाता है। बट गाइस कुछ कुछ लोगों का बैड लक होता है कि यार थोड़ा सा टाइम लग जाता है, यानी कि 24 घंटा, एक दिन, दो दिन, तो यार हफ्ता वगैरह भी लग जाता है। तो गाइस आप लोगों को पेशेंस रखना है। एंड गाइस मैं बता दूं आप सभी को कि किसी का भी इंस्टाग्राम ऐड स्टोरी का ऑप्शन या कोई भी ऑप्शन अगर चले जाता है वो अगर फीडबैक दे देगा ऐसे तो गाइस उसका ऑप्शन जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगता मिलने में। तो आप लोगों को ऐसे कुछ नहीं करना है कि गाइस आप मतलब कि परेशान होंगे, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंस्टाग्राम चाहता है कि यार हमारे जो इतने भी क्रिएटर हैं, हमारे जितने भी इंस्टाग्राम यूजर्स हैं, वो कोई भी मतलब कि किसी और एप्लीकेशन पर ना जाए, हमारे एप्लीकेशन पर रहें, जिससे कि गाइस उनके मतलब कि उनको भी फायदा होता है। तो इसके वजह से वो किसी भी अपने क्रिएटर को सैड नहीं करेंगे, जो भी आपके ऑप्शंस वगैरह होंगे वो आपको जल्द से जल्द लौटा दिए जाएंगे। तो आप लोग बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, आप सभी के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बट गाइस आप सभी को कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का अपने इंस्टाग्राम में यूज़ नहीं करना है, यानी कि मतलब कि लाइक फॉलोवर्स अगर आप बढ़ाते होंगे तो ये चीज़ आप सभी को जब तक नहीं करना जब तक आपका वो ऑप्शन ना मिल जाए। क्योंकि गाइस कभी कभार क्या होता है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम को पता लग जाता है कि ये कोई थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन का यूज़ करता है, जिसके वजह से हमने इसका ये ऑप्शन वापस छीन लिया था। तो गाइस आप सभी को ये चीज़ नहीं करना है। एंड गाइस लाइक किसी के पोस्ट पर ज़्यादा लाइक नहीं करनी है, किसी के कमेंट में जाके ज़्यादा कमेंट नहीं करना है, एंड जो मतलब फॉलो अनफॉलो भी नहीं करना है। बस आप सभी को जब तक नहीं करना जब तक आपको ऑप्शन नहीं मिल जाता। बाकी गाइस आप सभी का जो भी ऑप्शन होगा आई होप कि यार आप सभी को सब कुछ मिल जाए। मैं गाइस यही दुआ करूंगा कि आप सभी के सारे ऑप्शन जो भी अगर आपको जो भी टेंशन है सब कुछ मिल जाए। बाकी गाइस चलिए मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।